क्या हाल है मेरे सारे भाई? होप करता हूँ यार सारे भाई मेरे बढ़िया ही होंगे यार, बढ़िया ही होने चाहिए यार। और मैं भी बढ़िया ही भाई। तो यार आज जो हम बात करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं एक लीड वीडियो के बारे में, एक लीड इमेजेस के बारे में। तो आज हमारी रहने वाली है, वो रहने वाली है किया सेल्टोस के बारे में वीडियो। मतलब कुछ अपडेट है किया सेल्टोस के बारे में, जो न्यू फेसलिफ्ट उसका आने वाला है 2023 का। किया सेल्टोस के बारे में यार, किया सेल्टोस और आपकी जो क्रेटा है, ये दोनों पेरेंट कंपनी है, एक दूसरे कंपटीटर रही है काफ़ी टाइम से। तो यार इनकी मार्केट काफ़ी टाइम से आप देखोगे, ग्रैंड विटारा और आपकी जो और पर गाड़ी आ रही है जैसे एलिवेट आने वाली होंडा की, तो उनकी सेल उनकी वजह से इनकी गाड़ियों की सेल हो रही है कम, तो उनकी वजह से इन गाड़ियों की सेल पे काफ़ी फर्क पड़ा है, मतलब काफ़ी डाउन हो चुके हैं। तो यार काफ़ी टाइम हो गया, 4 से 5 साल हो गया किया सेल्टोस का भी कोई हमारा फेसलिफ्ट आया नहीं है। तो होप करते हैं इस बार अच्छा ही फेसलिफ्ट आएगा, क्योंकि कंपनी ने कुछ हमारे बीच में कैमोफ्लोज वाली वीडियो और लीक्ड वीडियो हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये तो फाइनल हो चुका है कि किया सेल्टोस का जल्दी फेसलिफ्ट आने वाला है 2023 के पूरा होने से पहले। तो यार आज जो हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस के फेसलिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो कैसा कुछ रहने वाला है फेसलिफ्ट और मतलब क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं और क्या क्या मतलब आप उसमें अपडेट देखोगे, तो दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं वीडियो में, आगे लेके चलते हैं आपको। सर फर्स्ट टाइम देखने पे हमको भी ये नहीं लगा था कि ये पुराने वाली किया सेल्टोस है या किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट है, बट थोड़ा सा यार ध्यान से देने पे, जैसे आप फ्रंट पे ध्यान देते हो, जब पता लगता है कि ये हाँ भाई एक नया फेसलिफ्ट है या कुछ एक जनरेशन चेंज है या चेंज है थोड़ा सा गाड़ी में। सर वीडियो में आपको फोटो में मतलब आपको देखने से पता लग रहा होगा, तो बम्पर में यार काफ़ी हल्के फुल्के आप चेंजेस देखोगे। तो यार मतलब मेरे को तो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ चेंज लगा नहीं, बट काफ़ी हल्के फुल्के चेंजेस हैं आपके बम्पर में, और बाकी ज़्यादा ध्यान से देखने से पता लगता है कि आपको हाँ भाई ये फेस लिफ्ट है इस गाड़ी का। यार बाकी हमको तो इतना खैर नहीं पता कि आपको अपनी जो होंडा की एलिवेट के आने से कुछ डर था, या फिर हमारा जो ग्रैंड विटारा ने मार्केट में उथल पुथल मचाई हुई है, मतलब जो मार्केट में कंपटीटर बना हुआ है इनका, तो यार उनसे डर था तो किया ने इतना जल्दी जल्दी में एक फेसलिफ्ट को निकालना पड़ा किया को। तो यार 4-5 साल इस गाड़ी को आए हुए हो चुके हैं, तो इस गाड़ी का न्यू जनरेशन और न्यू फेसलिफ्ट जो हमारा है वो अब्रॉड में तो काफ़ी टाइम पहले लॉन्च किया गया था, तो यार उसी फेसलिफ्ट को किया इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है जल्दी। हमको तो काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था कि भाई काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे इस गाड़ी में, तो बाहर तो खैर इसका एक अच्छा एक उभरता हुआ फेसलिफ्ट किया लॉन्च कर चुकी है, बट इंडिया में यार ऐसा कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ लॉन्च किया है, तो हमको ये खैर उम्मीद नहीं थी। बाकी यार थैंक यू मोटर बीम वालों का, तो उन्होंने हमको सबसे पहले हमारे सामने फोटोज़ लीक्ड फोटोज़ और कैमोफ्लोज वाली फोटोज़ हमारे सामने लेके आए हैं। बात अब फ्रंट की तो बात कर चुके, अब बात करते हैं रियर की। यार जब कभी भी गाड़ी का फेसलिफ्ट आता है तो यार उसमें आप मेजर चेंजेस तो देखोगे आप फ्रंट और आपके मोस्टली रियर और फ्रंट में चेंजेस किए जाते हैं। तो यार जब जनरेशन हमारा चेंज होता है, जब हमारा पूरी गाड़ी को चेंज किया जाता है, बट जब हमारा फेसलिफ्ट चेंज होता है हमारा फ्रंट से और रियर से ही चेंज होता है मोस्टली 99%। आप जैसे फ्रंट से देखते हो तो इतना कुछ नहीं मिलता हमको, बट आप रियर से जब देखते हो तो रियर में यार काफ़ी एक ड्रास्टिक चेंज किया गया है गाड़ी में, मतलब फेसलिफ्ट में। तो टेल लाइट कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाती है हमको, जैसे किया अपनी कार केरेंस वगैरह में दे रही है, और हमको नीचे से बम्पर पे देखेंगे बम्पर पे काफ़ी एक बड़ी बड़ी ग्लाइडिंग सी मिल जाती है हमको, बॉडी कलर ग्लाइडिंग, और एक काफ़ी टेल रैंप यार काफ़ी अच्छी रहने वाली है इसकी। वैसे हमको पीछे से गाड़ी ने थोड़ा सा सरप्राइज किया है, पीछे से हमको कुछ देखने में हाल लगा अभी गाड़ी का एक फेसलिफ्ट आया है। और हम बात करें नीचे रियर बम्पर की, आपको दो एग्जॉस्ट की आपको दो टिप मिल जाती है काफ़ी क्रोम वाली, काफ़ी सुंदर लग रही है वैसे देखने में, और नीचे आपको सिल्वर स्केटिंग मिल जाती है बम्पर पे, आपको बम्पर एक बम्पर का साइज़ आपके ब्लैक बम्पर का साइज़ थोड़ा बढ़ाया गया है इस वाले जो हमारा फेसलिफ्ट जो इस टाइम चल रहा है। सर ये तो काफ़ी अच्छा है, वैसे बॉडी कलर का आपको बम्पर भी काम देखने को मिल जाएगा। वैसे दिस इज़ अ जीटी लाइन मॉडल, तो यार ये टॉप वेरिएंट रहने वाला है, तो आपको काफ़ी एक अट्रैक्शन दिया गया गाड़ी का। तो रियर में काफ़ी एक चेंजेस है, बाकी रियर में आपको वाइपर भी दिया गया है रियर की। यार रियर में आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है गाड़ी पे, रूफ ग्लाइडिंग देखने को मिल जाती है आपको, टेल लैम्प काफ़ी अच्छी लगी है इसकी, मतलब पहले से तो अच्छी लगी है। और बात करें आपकी पीछे से काफ़ी बोल्ड लग रही है गाड़ी पीछे से, तो कितना कुछ चेंजेस आए हैं अभी ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कुछ हमको चेंज देखने को मिला है। कुछ थी हमारी गाड़ी रियर से, तो अब साइड से भी हम दिखाएंगे। तो यार आप काफ़ी काफ़ी कुछ लिख के यार कमेंट करके बता सकते हैं आपको गाड़ी कैसी कुछ लगी और क्या क्या आपको चेंज देखने को मिले। साइड से आप देखोगे साइड से कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस देख, मतलब साइड से तो खैर हमको कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं,
वही आपका टायर का साइज है, वही आपका सेम अलॉयज है, और साइड की जो आपकी स्किड प्लेट वगैरह मिलती है, ग्लाइडिंग मिलती है, सेम जो आपको ग्लाइडिंग रहने वाली है। साइड से क्रोम वर्क आपको एम्पल अमाउंट ऑफ क्रोम वर्क आपको रहने वाला है, जो आपको पहले भी आता था, और रूफ रेल सबको मिल जाती है इस गाड़ी में। कुछ कुछ हमको हिंट मिल सकता है इसमें, हमको यूवी टिंटेड ग्लास दिए जाने वाले हैं इस गाड़ी में, मतलब देखने में ऐसा हमको लग रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें जेके टायर्स यूज किए गए हैं, अलॉय व्हील आपके वही डबल टोन में आपको ब्लेड कट अलॉय व्हील जो इसमें पहले मिलते थे टॉप एंड वेरियंट में, तो वही मिल रहे हैं आपको इसमें। साइड से आप देखोगे मिनिमल यूज ऑफ क्लाइडिंग किया गया, मतलब क्लाइडिंग आपको कुछ ज्यादा हैवी और ज्यादा ब्रॉड नहीं मिलेंगी इसमें। न्यू मॉडल आप न्यू फेसलिफ्ट देखोगे तो आपको यहाँ से नो चेंज देखने को मिलने वाला है, मतलब ऐसा कुछ मेजर चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। हमको उम्मीद थी हुंडई और क्रेटा से, क्रेटा मतलब हुंडई और आपकी किया से काफी एक चेंज इनको लाना चाहिए था, क्योंकि यार गाड़ी मार्केट में काफी आ चुकी है, काफी कंपटीटर आ चुके हैं। आपकी जीवी मतलब ग्रैंड विटारा भी एक काफी इस टाइम काफी मार्केट इनकी डाउन कर रही है इन गाड़ियों की, तो यार हुंडई और क्रेटा को इनमें कुछ काफी कुछ चेंज लाना चाहिए था। बाकी आप ऑल ओवर आप गाड़ी देख चुके हो फ्रंट से भी और रियर से भी, तो यार काफी मतलब एक ये गाड़ी ऐसी कुछ रहने वाली है, मतलब कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं इस गाड़ी में। बट अब बात करते हैं यार गाड़ी मतलब की बात करें तो लॉन्च जुलाई 2023 में हम इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, तो यार रियर से तो काफी सेटिस्फाइड हूँ मैं इस गाड़ी से। गाड़ी को यार होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा इन गाड़ियों के साथ कंपटीशन में लाया जाएगा मार्केट में। ये जो हमने आपको दिखाया ये था सेल्टोस का जीटी लाइन वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट, तो यार अब इसमें हम खुल के बात करते हैं हमारा मतलब क्या क्या कुछ गाड़ी में चेंजेस रहने वाले हैं। सर 2023 वाली किया सेल्टोस में आपको जो फेसलिफ्ट में चेंजेस रहने वाले हैं, इसमें पैनारोमिक सनरूफ यार आ सकता है गाड़ी में, मतलब आएगा ही पैनारोमिक सनरूफ, क्योंकि यार काफी मतलब ये मिसिंग था गाड़ी में काफी टाइम से, क्योंकि क्रेटा भी इसके कॉम्पिटिटर और आपकी ग्रैंड विटारा भी इस कॉम्पिटिशन में ला चुकी है अपना आपका पैनारोमिक सनरूफ। तो बात करें 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा हमको इस गाड़ी में, और बात करें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड प्रकार पर हमको इस गाड़ी में मिलेगा, और कैबिन एयर प्यूरिफायर हमको इस गाड़ी में मिलेगा जो पहले भी हमको एक क्रेटा में मिलता है, और लेवल 2 एडास हमको इस गाड़ी में मिल सकता है, क्योंकि यार मच एक्सपेक्टेड है लेवल 2 एडास इस गाड़ी में। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट हमको इस गाड़ी में मिल सकती है, और पावर ड्राइवर सीट हमको इस गाड़ी में मिल सकती है, रियर विंडो कर्टेन हमको इस गाड़ी में मिल सकते हैं, और हमको ऑटोमेटिक हेडलाइट इस गाड़ी में मिल सकती है। बात करें रेन सेंसिंग वाइपर्स हमको इस गाड़ी में मिल सकते हैं, मतलब आएंगे ही ये फीचर इस गाड़ी में, क्योंकि यार गाड़ी में काफ़ी चेंज लाना पड़ेगा गाड़ी में एक मार्केट में एक अपनी अच्छी खासी एक इमेज बनाने के लिए किया को। बात करें फ्रंट और रियर आर्म रेस्ट हमको इस गाड़ी में मिल सकता है, वैसे पहले भी हमको इस गाड़ी में मिलता था फ्रंट और रियर आर्म रेस्ट, और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा हमको इस गाड़ी में मिल सकता है, मतलब मिलेगा, और हेडअप हमको इसमें डिस्प्ले हमको मिलने वाली है इस गाड़ी में। करते एक्सटीरियर की फ्रंट ग्रिल हमको इसमें गाड़ी में चेंज मिलेगी, फ्रंट बम्पर हमको काफी तक हद तक मतलब क्रोम वर्क हमको चेंज मिलेगा गाड़ी में, और बात करते रियर की, रियर में हमको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेगी हमको इस गाड़ी में। रियर का बैक बम्पर आपका बिल्कुल पूरा चेंज है, कम्प्लीटली चेंज है, उसमें थोड़ा आपको बॉडी कलर भी वर्क मिलेगा आपको, नीचे जो दो एग्जॉस्ट की टिप मिलेंगी आपको इस हाउसिंग मिलेंगी इस गाड़ी में। बात करें फ्रंट और रियर हमको इसमें हेडलाइट स्ट्रिप देखने को मिल सकती है इस गाड़ी में, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको, और वैसे पहले भी हमको फ्रंट में कुछ आपको स्ट्रिप देखने को मिलती थी आपको किया सेल्टोस में। क्राउन हेडलाइट्स हमको दी जाएंगी इस गाड़ी में, आइस क्यूब्स हमको, फोग लैंप्स हमको इस गाड़ी में दिए जाएंगे। बड़ा चेंज हमको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा वो मिलेगा एडास का लेवल 2 एडास, क्योंकि यार अभी तक एमजी एस्टर हमको बस प्रोवाइड कर रही थी एडास लेवल 2 एडास, तो यार एडास एक मच नीडेड आपको एक प्रैक्टिकल फीचर, तो एडास यार काफी टाटा भी इंट्रोड्यूस कर चुकी है अपनी गाड़ियों में, तो यार एडास किया की साइड से मच एक एक्सपेक्टेड आपको फीचर मिलने वाला है इस गाड़ी में। सेफ्टी रेटिंग की तो 3 स्टार ही है, सेफ्टी रेटिंग से कभी ऊपर गई नहीं है गाड़ी है, तो एक्सेप्ट ये किया जा सकता है कि 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग से गाड़ी इस बार ऊपर जा सकती है, मतलब कोशिश कर सकती है, क्योंकि यार इतने प्राइस देने के बाद एक कस्टमर को मच नीडेड है ये चीज़ें। इस गाड़ी में हमको शायद से 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन हमको देखने को मिल सकता है इस गाड़ी में, क्योंकि इस गाड़ी में पहले 1.4 लीटर टर्बो मोटर इंजन हमको मिलता था पहले इस गाड़ी में। शायद से जो हमारा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन हमारा जो इसमें मिलेगा उसमें हमको 160 PS और 250 न्यूटन मीटर का हमको टॉर्क उस गाड़ी में मिल सकता है। सब मिलता है तो यार काफ़ी कुछ बढ़िया रहने वाला है यार, क्योंकि रीज़न ये है कि काफ़ी कोई बहुत सारे लोग हैं जिनको टर्बो की कमी गाड़ी में एक महसूस होती है, जैसे जो लोग डीजल गाड़ी को प्रेफर करते हैं, डीजल चलाते हैं, तो उनको इस प्राइस में पेट्रोल गाड़ी मिल रही है तो वो टर्बो को एक्सपेक्ट करते हैं। पर ऐसा कुछ ये सब चेंजेस कुछ रहने वाले हैं और नहीं भी रहने वाले हमारे
किया सेल्टोस में, मतलब ऐसा कुछ चेंजेस आपको दिखने वाले हैं। तो यार पर्सनली मेरे से पूछे तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकती थी गाड़ी, और गाड़ी को करना भी चाहिए था, कि काफ़ी टाइम बाद किया सेल्टोस अपनी गाड़ी में चेंज ला रही है 4 से 5 साल बाद। तो यार यही कुछ थी हमारी एक वीडियो आपके सामने जो हमने लाए हैं, आपका किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट और उसका जो चेंजेस जो आने वाले हैं, कुछ लीक्ड इमेजेस हैं, कुछ कैमोफ्लोज वाली इमेजेस हैं। तो यार बस यही थी वीडियो, यही कुछ चेंजेस आने वाले हैं किया सेल्टोस में। तो कैसी कुछ आपको वीडियो लगी और कैसा कुछ आपको चेंजेस लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बस यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।